ये हमारे साथ हमारा ड्राइवर, हमारे गाइड मिस्टर एंटनी अकबर, अमर अकबर एंटनी वाले एंटनी एंड इनका जीप है। तब देखिए सामने जैसे हैंडल है, इसको मैं पकड़ के पूरा समय था, बहुत यूज़फुल है हैंडल। अगर आप आओ इस साइड तो आप हो सके तो सामने ही बैठेगा, और जब आप जाकर पीछे बैठते हो तो आपके पास ये साइड से आप हैंडल पकड़ सकते हो, सामने से नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप आओ तो आगे बैठने का कोशिश करिएगा, बहुत आराम आपको मिलेगा। आप मुझे याद करोगे कि मैंने सही सुझाव दिया था। तो ये है महिंद्रा जीप 94 मॉडल एंड वेरी पावरफुल का, और मतलब एकदम सेफ, आराम से आप इसमें जा सकते हो। एंड जैसे में लिखा हुआ है सेल्ड सेव वाइल्ड लाइफ, और यहाँ बकायदा देखिए आप वहाँ सामने स्टिकर भी लगा हुआ है इनका। मतलब जनरली जो जीप्स जो होते हैं जो इस साइड आते हैं कुल्लू कुमलाई, उनका देखिए स्टिकर लगा रहता है कुल्लू कुमलाई जीप सफारी, सो केरला मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट। तो ये स्टिकर व्हीकल में होगा तो इट इज़ मतलब आप रेस्ट अश्योर हो सकते कि जो ड्राइवर ही इज़ एन एक्सपर्ट। देखिए उनका फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए साथ साथ। कि टायर्स भी आप देख रहे हो कितने चौड़े टायर्स हैं, स्पेशली बिल्ट फॉर ऑफ रोडिंग। तो ये कह रहे कि हर 6 महीने में टायर इनको चेंज करना पड़ता है बिकॉज रोड का हाल बहुत बुरा है उस रीज़न से। ओके, एवरी 15 डेज चेंज बुश एंड शॉक ऑब्जॉर्वर्स। ओके, मतलब ये कह रहे कि हर 15 दिन में शॉक ऑब्जॉर्वर्स और बुश चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली समझ में आता है क्योंकि जिस रास्ते से गुजरा चेंज करना पड़े। इनफैक्ट हम लोग को भी लग रहा था कि भाई अब चेंज का टाइम आ गया है इस जीप का, बट रियली फैंटास्टिक राइड। अभी ये कह रहे थे कि इस जीप में पंद्रह लोग बैठते हैं, और इनके बगल में इनका आधा सीट में ये बैठते हैं और आधा सीट में दूसरा पैसेंजर। तो काफ़ी देख रहे हैं आप ये हाल है इस रास्ते का। मतलब आपको मसाज का दरकार ही नहीं है यार, आए यहाँ आ जाइए आपका अच्छा खासा मसाज हो जाएगा, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ सामने से, आप देख रहे हो सामने कैसा रास्ता है। अभी मैं हैंडल नहीं पकड़ रहा हूँ सिंस मैं वीडियो ले रहा हूँ, तो दुगना बॉडी हिल रहा है और दुगना मज़ा भी आ रहा है, पर इस तरह मैं बेसी दिन नहीं रह पाऊँगा। देख रहे पूरा कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता का नाम निशान ही नहीं है, ऐसे 10 किलोमीटर तक ऐसे ही चलेगा रास्ता, और इस तरह से टर्निंग्स आते रहेंगे। अब ये देखिए टर्निंग, अब देखिए आगे की, अब इनको बैक करना पड़ेगा, अब ये बैक करेंगे, अब इनको आगे निकलना होगा। इसी तरह से सब टर्निंग्स, ऐसी छोटे छोटे टर्निंग्स हैं और बैक करके आगे निकलना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, कितना अच्छा धूप आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रात में तो जब आ रहे थे तो कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ तारे देख रहे थे इतने तमाते हुए, और सामने का रास्ता क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट से रास्ता सामने दिखाई दे रहा था। अब दोनों तरफ का हरियाली नज़र आएगी तो और इंटरेस्टिंग राइड होगा। एक और चीज़ यहाँ का खास बात है कि ये जो प्लांटेशंस देख रहे हैं ये हाईएस्ट टी प्लांटेशंस है पूरा दुनिया का, हैरिसन मलयालम टी प्लांटेशंस है, आरपी गोइंका का प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली, जिनका सीए टायर्स भी है और काफ़ी काम है उनका, ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस पेपर भी उनका। तो उनका ये टी गार्डन्स है और 1800 एकड़ में फैला हुआ है इनकी गार्डन, 5 एस्टेट, हाँ 5 एस्टेट है और 1800 एकड़ में फैला हुआ है। ओ वाओ व्हाट अ व्यू, वाओ कितना बढ़िया व्यू आ रहा है पूरा टी गार्डन्स का, फैंटास्टिक। तो अभी हम लोग उनका ही एस्टेट में जा रहे हैं देखने के लिए। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इतने प्यारे प्यारे बंगलोज हैं, ये सब एक्चुअली लेबर कॉटेजेस है, और इनको बकायदा पूरा सहूलियत मिलता है रहने का खाने का, तो उनका कोई खर्चा नहीं लगता है, सब कंपनी वाले उठाते हैं, और इनको करीबन 300 रुपया एवरेज डेली इनका कमाई हो जाती है डेली का टी पकिंग का। 8 घंटे का ड्यूटी रहता है इनका, तो सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक इनका ड्यूटी रहता है।
तो इनका क्या सिस्टम है यहाँ कि जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स, इनको कम से कम डेली का 13 kg कलेक्ट करना पड़ता है। 13 kg कलेक्ट नहीं करते तो काफ़ी कम पगार मिलता है, और अगर उससे बेसिक कर लेते तो एक्स्ट्रा केजी का एक्स्ट्रा रुपया मिलता है उनको। टू के तो जी 1 रुपी पर केजी पर 1 रुपया मिलता है, 10 रुपया भी नहीं पर केजी, केवल 1 रुपया। तो 1 रुपया तो बहुत कम है। अगर 13 kg का आप देखें, उनको 300 रुपये मिल रहे हैं डेली का एवरेज में, तो अगर कोई 20 kg कोई दिन उठाता है तो 7 kg का केवल 7 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो क्वाइट स्ट्रेंज। एनीवे, तो इनका ये एवरेज का डेली 300 रुपये का कमाई हो जाती है। बाकी जो स्पाइस प्लांटेशंस वाले हैं, उनका लेबर का थोड़ा सा बेसी उनको मिलता है पगार, 350 रुपये उनका डेली का कमाई हो जाता है। उसका कारण इसलिए है क्योंकि उनको जो घर वर्क वगैरह है यहाँ, तो जैसे टी प्लांटेशंस को उनको बकायदा पिकअप ड्रॉप अप सब उनको घर का व्यवस्था दिया जाता है, और प्लांटेशन के आसपास ही रहते हैं। कार्डमम एरिया, वेयर एज स्पाइस वर्कर्स वाले तो दूर रहते हैं, कार्डमम, कार्डमम कार्डमम एरिया में रहते हैं, और उनको पिकअप ड्रॉप अप मिलता है, हाँ बिकअप, पिकअप ड्रॉप मिलता है। अभी मैं टी गार्डन्स के बीच से वॉक कर रहा हूँ, और अब सुन रही आवाज़ चिड़ियों का, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा चारों तरफ। यस, अंडर ग्रोथ है, मुझे साइडवेज चलना पड़ा एक्चुअली कहीं कहीं तो, क्योंकि काफ़ी बगल में है दोनों तरफ के टी प्लांटेशंस। वो सामने जीप जो मेरा वेट कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया ड्राइवर देखे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये ट्रैक करो, हम वहाँ वेट करते हैं आपके लिए। अच्छा ड्राइवर और गाइड होने से ट्रिप में दुगना मज़ा आ जाता है। अब सामने से जो सादा सादा देख रहे हैं वो एक्चुअली प्लास्टिक कवर्स है, ट्री ट्रंक के राउंड है, छोटे छोटे सैम्पलिंग्स है ताकि वो नष्ट नहीं हो जानवर से या कोई इंसान से। उस कारण ये सब जितने सादे आपको दिख रहे हैं, सादा काइंड ऑफ छोटे छोटे काइंड ऑफ स्टिक्स, वो एक्चुअली प्लास्टिक कवरिंग्स है।